Hello everyone! Welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. Uh, so we are back again with a new episode, and this time too, I know we have our students who completed uh, completed the instructor training program at our institute. And these students, they uh, have come up uh, come from different parts of the country to attend our dwell course. They have done both PADP as well as PITP, and we finished our batch seven of PITP, and still they are going on with their पी ए डी पी ट्रेनिंग प्रोग्राम सो यू नो लेटर्स गेट टू नो द जर्नी नो लेटर्स नो अंडरस्टैंड लाइक कैसा था उनका एक्सपीरियंस अभी तक नो एट आइडल्स एंड क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीख उनको सीखने मिला है एंड किस तरह से हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट किया था एंड क्या क्या चीज़ें उनको यू नो ग्रोथ देखने मिल रहा है उनके डांसिंग में ही एंड साथ ही साथ उनके यू नो अदर स्किल सेट में जिनमें उन्हें ट्रेन किया गया ड्यूरिंग पी ओके सो लेट मी वेलकम तेजस्वनी मिश्रा फ्राम उड़ीसा हेलो सर हेलो तेजस्विनी तेजस्विनी देर लॉट मेनी थिंग्स जो मुझे आपसे पूछना है यू बैच इन द मंथ ऑफ़ यस सर ओके सो जब आपने बैच जॉइन किया राइट ओके पहले मुझे पूछना था कि आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड वाई आइडल्स फर्स्ट ओके सो सर मेरे को एक्चुअली मैं डांस दो साल से नहीं कर पाई थी एंड मैं बचपन से डांस कर रही हूँ बट स्टिल मेरे को अब वापस कम बैक करना था मेरे डांसिंग में तो मैंने सोचा कि अब मेको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो मुझे लाइक like, ऑब्वियसली मेरी जो पिछले स्किल्स हैं वो बाकी से फिर से नरिश कर पाए उस चीज़ों को एंड देन अगेन मुझे वो जितनी चीज़ें मैं पहले करती थी उसको और एक बार मुझे अच्छे से डांसिंग में करने मिले ताकि मैं जो फील करती हूँ डांस के लिए मेरा पैशन जो है वो मैं वापस से उसे और अच्छे से फील कर पाऊँ सो so, मैंने सोचा कि मुझे एट एडम मुंबई ही जाना है और मुझे वहाँ पर सीखना है कि वहाँ पे एक्चुअली में होता कैसा है सब कुछ तो मेरी मॉम ने एक्चुअली इस स्टूडियो के बारे में मुझे रिकमेंड किया था वो मेरे लिए सब चीज़ें लाइक देख रही थी कि अगर मुझे स्टूडियो लेना ही है तो तो फिर उन्होंने मेरे को आपके लाइक स्टूडियो के बारे में बताया कि एक आइडल्स करके हैं एंड आपका डूल कोर्स का पोस्टर उन्होंने देखा था तो उन्होंने देखा कि उसमें लाइक सिक्स स्टाइल सिखाई जा रही है जो कि बेसिकली सबको बेसिक टू एडवांस चीज़ें ऑलमोस्ट टू या थ्री मंथ्स में रह ही सिखाया जाता है सो so, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए आई गेस ये बेटर होगा क्योंकि मेरे जितने भी स्किल्स मैंने uh, कह सकते हैं कि बीच में छूट गए थे तो मैं नहीं कह सकती कि मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट रह के बोल रहती हूँ कहीं ना कहीं मैं लैक so, कही कर रही थी वो चीज़ में तो वो मुझे कम मिल सकता था सो आई थॉट कि आइडल्स का जब मैंने देखा सबके रिव्यूज देखे कि हाँ आई गेस ये मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जिससे मैं वापस से कम कर सकू अपने डांसिंग में सो सो आई आइडल्स बेस्ड ऑन रिव्यूज

कि मैंने सोचा था इफ़ मैं ज्वाइन कर रही हूँ कोर्स एंड मैं ऑब्वियसली बात है उड़ीसा से सिर्फ आइडल्स के लिए मुंबई आई थी तो मुझे जितना मुझे चाहिए जितना मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके वो ग्रेस्प कर पाऊँ ताकि मेरे ही लिए एट दी एंड मैं अपने लिए ही चाहूँगी कि मैं आगे बढ़ सकूँ मुझे ये नहीं चाहिए था कि जो मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ मुझे वापस से वही चीज़ नहीं सीखनी मुझे कुछ नया सीखना है जो कि मैं अपने अंदर एक नया चीज़ देख सकूँ सो आई थाट पहले कि मुझे और शायद रिसर्च कर लेनी चाहिए बट स्टिल मैंने जितना मैंने देखा है तो आई थॉट कि सारे जितने भी रिव्यूज़ हैं या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट है उन सब ने ऑथेंटिक ऑथेंटिक रिव्यूज़ ही दिए थे ऑथेंटिक कमेंट्स जब मैंने सबके कमेंट्स रिव्यू किए एंड देन आई थॉट कि मे बी ये मेरे लिए अच्छा ही होगा क्योंकि कोई भी डांसर फेक करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो उनकी लाइफ की बातें हैं तो मैं उस चीज़ से मे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रही थी जितने भी मैंने पॉडकास्ट सुने थे तो so मैं कहीं ना कहीं उन सबसे कनेक्ट हो पा रही थी कि आई गेस मेरे लिए ये सही ही होगा तो फिर कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि ओके आई कैन जॉइन आइडल्स और मैं अपनी जर्नी वहाँ कंटिन्यू करना चाहूँगी okay. so, तब से लेके अब आप तक आपका जर्नी कैसा रहा आइडल्स पर सर um, so, ऐसे में बोला जाए तो मैं अगस्त में आई थी यहाँ पर एंड फर्स्ट डे मेरे लिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत अपसाइड डाउन था क्योंकि मैं कह सकती हूँ ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग जर्नी भी है बट अरोस्टर राइड वाली जर्नी भी है क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे नई चीज़ें सीखने मिलेगी बट मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतने अलग वे में सारी चीज़ें सीखने मिलेगी क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात है पहले भी डांस कर रखा है मैंने बहुत से कोर्सेज अटेंड किए हैं बट डूल कोर्स एक अलग कोर्स है जो मेरे लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी कोई अपना टीचिंग वे और ये सारी चीज़ें शेयर कर सकता है सो so, मैंने स्टार्टिंग में आ, कह सकते हैं स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ग्राफ करने में या फिर मेरी स्टैमिना बहुत कम थी बट मैं देख सकती हूँ कि ओवरऑल अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं अपने आप को कंपेयर कर सकती हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्टिंग में अपने पास्ट लाइफ से जैसे थी वैसी अब बिल्कुल नहीं है मैं पहले थक जाती थी ये वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, थी मेरे साथ कि मैं अडाप्ट नहीं कर पा रही थी बट स्टिल जितने बार मैं यहाँ पर स्टार्ट किया मैंने और जब समझा कि एक्चुअल में कैसे किया जाता है सब द रियल प्रोसेस क्या होता है तो मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट में मुझे ग्रोथ दिखाई दिखाई दिया कि मैं ऑब्वियसली बात है डांस में भी जो जितना मैं करती हूँ उसके अलावा मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी एक्सप्रेशन मेरे इन्हांसमेंट हर चीज़ में मुझे समझ में आया कि किस तरीके से सब कुछ किया जाता है सो so, मेरी जर्नी ओवरऑल अच्छी ही रही है फिलहाल ओके okay. uh, जैसे भी आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिली थी आपका एक रोलर कोस्टर जर्नी रहा है ओके okay. सो so, ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिले हैं हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे पी आई टी पी एज वेल एज पी ए डी पी ओके सो मैं पहले पी आई टी पी के बारे में पूछना चाहूँगा प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ओके बिकॉज कहीं ना कहीं आपने जब भी फर्स्ट टाइम मैंने पूछा तो यू आर इंटरेस्टेड इन यू नो टीचिंग एज वेल ओके एंड आपने पी आई टी पी ज्वाइन किया सो so, मुझे आपने पूरा ट्रेनिंग अटेंड किया है आपका इंटर्नशिप अभी रिसेंटली खत्म हुआ ओके yes. सो okay. so, मैं जानना चाहूंगी कि पी आई टी पी में ऐसा आप क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको सीखने मिले जो आपको शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे मुझे यहाँ पे सीखने मिलेगा या फिर जो आपको लगता है कि आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा आपके प्रोफेशनल करियर बिल्डिंग में यस yes, सर सो सर आई एम बींग ऑनेस्ट मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि आई थिंक मुझे सिर्फ डांसिंग में ही अपना करियर सेट करना है मैं टीचिंग करना चाहती थी बट मुझे लगा कि मे बी अभी मुझे उस पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल आपने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं दो दिन टाइम लो सबसे जितने हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिनकी तब इंटर्नशिप चल रही थी तो उनसे बात करो उनसे पता करो तो फिर मैंने सबसे जब बात की उनसे रिव्यू लिया तो इट वॉज लाइक अ स्ट्राइक कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है लाइक नीड है मुझे भी कि मैं बस इतना ही सोच रही थी कि डांस कर लूँगी डांस अच्छे से अपना वापस से कर लूँगी तो आई गेस मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा बट नहीं जो मेरे को पीआईटीपी से मिला है आई डोंट थिंक मुझे और कहीं मिलता क्योंकि ये कोर्स ओनली बस टीचिंग के लिए नहीं ही बना है आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बना है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बना है सो so, इसलिए मैंने सोचा कि आई गेस मुझे पी करना है एंड देन आई आपको मैंने बोला कि मुझे भी लाइक पी आई करना है एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेक्ट तो यही किया था कि शायद मोर फोकस आप उसमें ही करेंगे कि किस तरीके से क्लास कंडक्ट किया जाता है टीचिंग का वे कैसा होता है किस तरीके से आ, टीचर को प्रेजेंट होना चाहिए अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ तो वो सारी चीज़ें भी थी बट स्टिल मुझे बाद में पता चला कि नहीं ये सारी चीज़ ये ये भी एक पार्ट है उस चीज़ का बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और भी सारी चीज़ें जो कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे स्किल्स जो कि हमें बाहर काम आएंगे जो हमारे सिर्फ डांसिंग के लिए ही नहीं हमारी पूरी लाइफ जर्नी के लिए ही काम आएंगे हम ये सारी स्किल्स सीख रहे हैं ये बस डांस एज अ कोरियोग्राफर या फिर एज अ टीचर या एज ए इंस्ट्रक्टर बनने के लिए नहीं सीख रहे हैं हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें हमें अडाप्ट करनी ही चाहिए क्योंकि वो एक नेसेसरी स्किल भी है तो एक डांसर को हमेशा से रेडी रहना चाहिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसी टाइप की नेसेसरी चीज़ें आपको नहीं आती है तो मे भी उनको वो सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए एंड स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि आप हमें बताएंगे कि टीचिंग क्या की जाती है बट जब आपने हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जैसे ई और फिर वेबसाइट डेवलपमेंट फिर ओवरऑल किस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें भले ही हमने ये सब चीज़ें स्कूल में सीखी है बट कभी वो एम्प्लाई नहीं किसी के साथ क्योंकि वो बस एक हमारा असाइनमेंट था वो हमारा एक टास्क था बट यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपके साथ की है इवन आपने हमें बहुत से ऐसे टास्क दिए हैं जो कि हमें आपको करके दिखाने चाहिए थे तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है एंड आई कैन सी कि स्टार्टिंग में मैंने जस्ट इस वक्त इस वजह से सोचा था कि सिर्फ डांस करने से हो जाएगा नहीं ये सारी चीज़ों में भी मैं लैक कर रही थी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से मुझे अब समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे अब

ये पूरा चीज़ अटेंड करने के बाद कितना ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है आपके स्किल्स में ओके okay. जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो राइट ओके टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो आपको टास्क के थ्रू दिया गया था नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग एज वेल एज़ इंटर्नशिप जहाँ आपने वो सारे स्किल्स को अप्लाई किया था इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन एज वेल एज़ उन्होंने सेशन जो होते थे, थे. So, ये पूरा चीज करने के बाद कितना बोलना चाहोगे सर so, अगर मैं बोलना चाहूंगी कि मैं अपने आप को कभी कम नहीं समझती थी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से परसेप्शन रहा है कि मैं किसी से भी अपने आप को लो लेवल में ना देखूँ भले ही मैं ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनकी तरह नहीं बट एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट दूँ हर चीज़ में सो so, मैं कॉन्फिडेंट तो थी अपने अंदर कि मैं अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ वो चीज़ मैं कभी स्टेप बैक नहीं करूँगी कि मुझे डर लग रहा है नहीं अगर इस मुझे नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे गाइड करने के लिए हो तो मैं स्टेप करूँगी आगे और मैं ट्राई करूँगी सो so, वो चीज़ मेरे अंदर थी बट स्टिल जितने भी बार मैंने ट्राई किया है कभी कभी मुझसे गलतियाँ भी हुई है एंड आपने मुझे हर जगह पर करेक्ट किया है एंड स्टिल मुझे लगता था कि अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर बात कर रही हूँ ठीक है लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही सिर्फ मैटर नहीं करता कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारा वे तुम्हारा एग्जीक्यूशन सब चीज़ मैटर करता है तो मुझे वो चीज़ें भी सीखने को मिली यहाँ पर तो मेरा एक लाइक कह सकते हैं ये मेरा एक ड्रॉबैक ही था कि मुझे मेरे अंदर पेशेंस नहीं था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं हमेशा से इवन इफ मैं डांस की बात ही क्यों ना करूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ अगर मैं एक चीज़ को ही लाइक like, टू uh, मंथ्स भी कर लेती थी तो मुझे लगता था कि ओके okay, अब मुझसे टू मंथ्स में ये नहीं हो रहा है तो आई गेस मुझसे और नहीं होगा बट स्टिल जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है सिर्फ टू मंथ्स करके आप अपने आप को नहीं प्रूफ कर सकते सो so, uh, मे को समझ में आया कि जितना भी कुछ है अपने अपने लिए एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं सेट करनी है अपने लिए गोल सेट करना है उसे गोल अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है बस तो मुझे समझ में आया कि ऐसी चीज़ें अब को ओवर एंड ऑल ये सब कुछ असाइड रख के बस एक चीज़ पर फोकस करना है सो so, मैं कह सकती हूँ कि मेरे बहुत से ऐसे चीज़ें थी जो मैंने अभी हटा कर अपने आप पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है मुझे कि मैं पी आई टी पी ट्रेनिंग से पहले कैसे थी एंड अब पी आई टी पी ट्रेनिंग के बाद मैं किस तरीके से हूँ सो इफ मुझे आ, रेट भी करना है सो आई वुड गिव एट एट लीस्ट वु आप ग्रोथ yes. देख पा रहे really uh, थे सुनी। बहुत अच्छा लग रहा है अनु uh, कि आपने एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ों में आपको वर्क करना था एंड वो सोच समझ के आपने यू नो लाइक डिसीजन लिया कि क्या चीज़ पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है एंड किस चीज़ को मैं बाद में यू नो ट्राई करती हूँ करके सो दस रियली ग्रेट टू नो कि आप इतना ग्रोथ देख पा रहे हो आपके स्किल्स में ओके नाउ लेट कम बैक टू दी पी डी बी थिंग जैसे आपका कोर्स चल रहा है डांस ट्रेनिंग राइट सो आई गेस अभी आप लोग ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे हो ओके okay? आप लोग ने मास्टर क्लासेस अटेंड किया आप लोग ने लाइव कोरियोग्राफी क्लास अटेंड किया है आपका पर म्यूज़िक गलती हुआ है सो so, ये सारी चीज़ें यू नो अटेंड करने के बाद नो, कितना ग्रोथ देख पा रहे आप ओके okay? एंड uh, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कितना डिफरेंट लगा आपको हमारे लाइक like, यू uh, नो ऐसे अलग अलग सेशंस जो हमने कंडक्ट किए थे राइट uh, जैसे लाइफ कर्ोग्राफी क्लास हुआ ओके नेक्स्ट okay? आप लोग का करियर काउंसलिंग आने वाला हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर सेशन आने वाला है सो so, ये सारी चीज़ें यू नो अभी uh, मैं उसके बारे में फ़िलहाल ले नहीं पूछूँगा लेकिन ये सेशन जो जैसे लाइफ कोरोग्राफी क्लास अटेंड करने के बाद एंड पूरा आपका डिफरेंट स्टाइल्स में ट्रेन करने के बाद कितना डांसिंग में आपका ग्रोथ हुआ है ओके okay. सर अगर मैं बोलूँ तो मैं डांसिंग भले ही बहुत पहले से कर रही हूँ बट मुझे कभी भी अपने अंदर वो चीज़ नहीं दिखी मैं हमेशा से ट्राई करती थी कि अपना बेस्ट दूँ क्योंकि मुझे लगता था डांसिंग अगर मैं किसी स्टेज में परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे अपना फुल ऑन देना है लाइक हंड्रेड परसेंट बस पावर दिखाना है अपना कि मैं स्टार्टिंग टू एंड एक पावरफुल परफॉर्मेंस दे रही हूँ बट मुझे नहीं पता था कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है मुझे हमेशा से मैं कह सकती हूँ कि मुझे यही सिखाया गया है मेरे अंदर ये माइंडसेट डेवलप किया गया है कि ऐसा सेट किया गया है कि तुम अगर डांस कर रहे हो स्टेज पे या कहीं पर भी तो तुम्हें स्टार्टिंग टू एंड एक ही एनर्जी लेवल पर सब कुछ करना है ताकि वो वाव दिखे लाइक एक वाव फैक्टर बन जाए तुम्हारे डांस का सो so, जब स्टार्टिंग में भी मैं आई थी तो आपने मुझे करेक्ट किया था ये सब चीज़ों में भी कि सिर्फ उस चीज़ पर बेस्ड नहीं होता है डांसिंग डांसिंग फन भी है पावरफुल भी है बट मोस्टली जैसे मेरी बॉडी में स्टाइलिंग थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है उस चीज़ में लाइक like, कौन से मुझे मूव्स में पावर दे, देना है कौन से मुझे मूव स्लो करने हैं कौन से तो मुझे वो एस्पेक्ट्स पता चले कि एक्चुअली मैं किस तरीके से एक फुल अच्छा परफॉर्मेंसेस अच्छा परफॉर्मेंस होता है कैसे है so, सो मैं हमेशा से ट्राई तो करती थी कि मैं अपना बेस्ट दूं बट अब मुझे पता चला कि नहीं एग्जीक्यूशन मैटर करता है एंड मुझे पता चला कि लाइक like, ऑब्वियसली सिर्फ लेग्स uh, या हैंड से ही डांस नहीं होता है बॉडी लैंग्वेज इज द मेन जिसमें हम फोकस करते हैं सो so, ये सारी चीज़ों पर मैं अभी वर्क करना स्टार्ट किया है जब से मैंने ट्वेल्थ कोर्स ज्वाइन किया था एंड uh, जैसे मैंने हिप हॉप ऑलरेडी कर रखा है एंड पॉपिंग मैं थोड़ा बहुत करती थी लॉकिंग भी करती थी बट ये सब ओनली बस कोरियोग्राफीज़ में करती थी मैं सो so, मुझे बेसिक बेसिक चीज़ें ही पता थी उसके बाद मैंने एडवांस चीज़ें जो बेसिक टू एडवांस हमारी ट्रेनिंग हुई थी मैंने यहाँ पर सीखा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही सोचा था कि आ, पता नहीं मुझसे ये हो भी पाएगा कि नहीं भले ही मैं ट्राई करूँगी लेकिन क्रम मेरे लिए हमेशा से ऐसे ही रहा है कि बहुत पावरफुल है बहुत अग्रेसिव फॉर्म होता है बट जब हमारे क्लास ऑक्सर जब हमारा अटेंड करवा रहे थे क्लास जब मैंने उनकी क्लास अटेंड की थी तब मुझे उनका उनका वे पता चला कि वो एक्चुअली किस नज़रिए से देखते हैं कि होता कैसा है तो मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा पार्ट लेती हूँ इस सब चीज़ों में भी जैसे जब भी हमारा हिस्ट्री डिस्कस होता है क्लास में ये सारी चीज़ें होती है तो मैं हमेशा अपने अंदर जितने क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनसे सारी चीज़ें कन्वे कर पाऊँ और उन उनसे जितना हो सके उनसे उनकी नॉलेज ले पाऊँ और मैंने देखा है कि सर ने भी मुझे उस वे में समझाया जिस वे में मैं समझ सकूँ जैसा मेरा परसेप्शन है एक डांस स्टाइल को लेकर वो उन्होंने लिटरली चेंज किया है क्योंकि मैं हमेशा से सोचती थी कि ये बहुत अग्रेसिव फॉर्म है बट नहीं उन्होंने बोला वो बस एक एग्जीक्यूशन है तुम अगर उसको अपने वे में करना चाहो तो क्रम को भी तुम हर एक इमोशन में अडाप्ट करवा सकती हो एक्सप्रेस कर सकती हो तो मुझे लगा कि डांस मैं बस जिस तरीके से सोचती थी कि बस एक फॉर्म है नहीं वैसा कुछ नहीं है वो एक आर्ट है और जो अब मुझे ज़्यादा फील होने लगा है मैं कनेक्ट कर पाती हूँ मैं जैसे कि हमारा म्यूज़िकलिटी uh, सेशनस हुआ था उसमें भी अब मेरे को पता चला कि इतने लेयर्स होते हैं मैं बस बीच पकड़ने की कोशिश करती थी कि मुझे ऑन द पॉकेट करना है ये बट स्टिल अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं जितनी चीज़ें मैंने सीख रखी है वो सब अब यहाँ पर मुझे उससे ज़्यादा और चीज़ें सीखने मिल रही है जो कि मेरी लाइफ में मेरे को आगे तक बहुत काम आने वाली है एंड जब हमारा म्यूज़िकलिटी का सेशन हुआ था लाइक हमारा लाइफ कोरियोग्राफी सेशन हुआ था अविनाश सर ने हमें uh, उसमें ट्रेन किया था तो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की क्योंकि मैंने कभी म्यूज़िक को उस वे में देखा ही नहीं या फिर मैं कह सकती हूँ मैं हमेशा से चा... मुझे बस एक या दो लेयर्स ही पता चलती थी जितना भी मैं सुन लूँ या फिर मैं मोस्टली लिरिक्स या फिर जो बीट है जो मेन हमारी बेट फोकस करते हैं हम उसमें करते हैं बट बत उन्होंने बताया हमें कि एक्चुअल में कैसा होता है एक डांसर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए म्यूज़िक के बारे में क्योंकि फ़र्स्ट चीज़ एक डांसर के लिए म्यूज़िक है म्यूज़िक उनके लिए सब कुछ है उसके बाद ही हम अपना डांस अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब तक हम अपनी म्यूज़िक को फील नहीं करेंगे तो उनके सेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला एंड मैं कह सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इस चीज़ से क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि म्यूज़िकलिटी uh, मेरी ठीक ही है बट अभी मुझे लगता है कि मैं उसमें और कॉन्फिडेंस हो पाऊंगी कि मैं किसी को अगर मुझे एक्सप्लेन भी करना है तो मैं ख़ुद किसी की बिना हेल्प ये वो सब चीज़ें मैं बता पाऊंगी एंड जैसे कि उन मैंने सोचा था कि कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर भी कर रहा है तो वो हमेशा से एक ये yes, वो भी सोचेंगे कि मैं अपना नॉलेज अपनी फिफ्टीन या टेन ईयरस की चीज़ें हैं वो क्यों ही शेयर करूँगा क्योंकि इवन इफ़ ये एक हार्श ट्रूथ है बट कोई इस इंटेंशन से अब नहीं जाता कि उनका जो चीज़ें हैं जो उनकी नॉलेज है जो उनका विजडम है वो आगे किसी को मिले या फिर वो उसका यूज़ करें क्योंकि वो एट दी एंड उनकी चीज़ है बट आइडल्स ने ये फुल लाइक uh, like, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था एंड जैसे कि आपने हमेशा से हमको बोला है कि आप अपना विजडम शेयर करते हैं हमसे तो आप चाहते हैं कि हम जितना नॉलेज हो सके आपसे लें एंड आप चाहते हैं कि जो भी हमारी जनरेशन है वो ये सारी चीज़ें समझें तो मैं हमेशा से इसी पे फोकस करती थी कि मुझे जितना नॉलेज मिले वो मेरे लिए अच्छा होगा एंड यहाँ पर आके आई गेस मुझे इतना uh, मोटिवेशन मिला है सारे टीचर्स से कि अगर मैं टू या थ्री मंथ्स भी अगर ट्रेन कर रही हूँ यहाँ पर तो वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम प्रोसेस है या फिर एक लाइफ टाइम मेरे लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई मुझे ताकि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे आप लोगों को लाइक हमेशा से एक मेरे लिए एक इमेज बन गई है यहाँ के मेन्टॉस के थ्रू जो कि मैं हमेशा से सोचते रहूंगी कि नहीं इफ़ वो गिव अप नहीं कर रहे हैं हम पे तो मैं मैं भी अपने आप पे गिव अप नहीं ही करूँगी तो मुझे आइडल्स की ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि मैंने किसी और स्टूडियो में ये चीज़ें नहीं सीखी या फिर अभी भी मैं रिसर्च भी करूँ तो मुझे आई डोंट थिंक मुझे ये चीज़ें कहीं मिलेगी देखने सो आई वुड प्रीफर एवरी वन की आइडल्स में ही वो चीज़ मिलती है तो वो जितना हो सके यहाँ से यू you नो know, सब चीज़ें अटेन करने की कोशिश करें थैंक यू सो मच मचनी जो आपसे बताया आपका परसपेक्टिव शेयर किया टूवर्ड्स आइडल्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपने हमारे यू नो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के बारे में भी बताया लाइक हाउ वी आर सो मच फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टूअर्ड्स आवर ट्रेनिंग ठीक है एंड डेफिनेटली हमने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है राइट्स एट द सेम टाइम वी वॉन्ट दैट नॉलेज टू बी शेयर विद द पीपल ओके जो एक्चुअल में डांस में कुछ करना चाहते हैं ओके बिकॉज वी वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि डांस में कैसे करियर बनाना चाह स अगर आप स्मार्टली आपने काम किया था एंड खुद को आप हमेशा ट्रेन करो एंड नॉलेज कंज्यूम कर सो अगर ये सारी चीज़ें आपने यू you नो know, uh, सही तरीके से uh, कर रहे हो दैन डेफिनेटली आप डांस में एक करियर बना पाओगे एंड देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन डांस इज जस्ट दैट आपको सही तरीके से खुद को एजुकेट करना है एंड यू नीड टू कनेक्ट विद द राइट पीपल जो आपको हेल्प करे वो सब चीज़ें अकम्पलिश करने के लिए सो yes. so, uh, जैसे कि आपने बताया आपके बारे में यू नो एंड ट्रेनिंग के बारे में सो थैंक यू सो मच आपका पर्स्पेक्टिव शेयर करने के लिए एंड वो यू गांट द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट सो so, आपने जिस तरह से अभी एक्सपीरियंस किया है राइट right? ये सारे सेशंस ओके सो आपकी हिसाब से ये ट्रेनिंग कितना जरूरी है आज की जनरेशन के डांसर्स के लिए एंड कैसे उनको हेल्प कर सकता है आगे यू you नो know, उनका एक करियर बिल्ड करने के लिए या फिर करियर में ग्रोथ करने के लिए सर so, जब तक अभी तक मेरी जितनी भी क्लासेस मैंने अटेंड की है मेरी जितनी भी अब तक की ट्रेनिंग जर्नी रही है मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की है कि इवन इफ आपके पॉडकास्ट में भी जितने भी हमारे स्टार कोरियोग्राफर्स हैं आपने उन सब के साथ पॉडकास्ट किया मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उन्होंने सारे ने एक ही चीज़ बताई है कि अभी के जनरेशन में वो डांस को बस एक जरिया समझ रहे हैं कि फेमस होने का या फिर एक अपना वो जो रियल पैशन होता था जो अपने आर्ट के टू सबके पास रहता था वो आई डोंट थिंक अभी किसी में है सो so, मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोचा था कि मुझे भी डांस आगे बढ़ना है उससे लेकिन कहीं ना कहीं वो किक नहीं मिल रहा था मुझे करने के लिए बट जितने बार भी मैंने सबके पॉडकास्ट सुने मैंने जितने भी सारे जितने सर एंड मैम हैं उनसे मुझे ये सीखने मिला कि वो भी चाहते हैं कि अभी की जनरेशन ये चीज़ समझे कि रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है वो हम बस एक सोशल मीडिया में कंजस्टेड uh, नहीं रह सकते उसकी बाहर वाली वर्ल्ड जो है जो रियल चीज़ है हमें उसको समझना होगा कि क्या है एक्चुअली में क्योंकि एट दी एंड डांस हमने स्टार्ट ही क्यों किया था ये सब चीज़ों के लिए नहीं किया था हमें हैप्पीनेस वो हमारा एक हैप्पी प्लेस बन गया था इसलिए हमने डांस स्टार्ट किया था इवन बचपन से ही मेरे को भी डांस का बहुत शौक है तो मैं हमेशा से सोचती थी कि फेमस होना एक अलग बात है लेकिन अपने आर्ट के टूवर्ड्स लॉयल रहना वो बहुत ही डिफरेंट है मैं अपना परसेप्शन चेंज नहीं कर सकती कि मुझे फेमस होना है मुझे फेम चाहिए तो मैं इस चीज़ पे मोस्टली वर्क करूँगी बट नहीं मैं जो मैंने सोचा अपने लिए कि मेरे को पूरी लाइफ टाइम डांस करना है मेरा जो पैशन है मैं उसके टूवर्ड्स लॉयल जाऊँगी तो मैंने ये सारी चीज़ें आइडल से सीखी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं इवन वो अच्छे डांसर्स तो हैं लेकिन उन्हें वो चीज़ की रियल नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ों की अगर मैं अगर अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उनके सामने खड़े के उनसे बोल सकती हूँ कि मुझे पता है ये क्या चीज़ है एंड आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं. आप बस रियल वर्ल्ड में स्टेप अप करने से स्टेप अप करने से डर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप अभी भी एक सोशल मीडिया के काइंड ऑफ कंजस्टेड है उसमें बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी हो सके वो स्टॉप ही हो बट मैं अपने आप को अगर मैं देखना चाहूँगी तो अगर मुझे फेमस होना है तो मैं हो भी जाऊंगी उससे मुझे वो उतना ज़्यादा लेना देना भी नहीं है बट मैं एक अच्छी डांसर बन जाऊंगी मेरे को एक कोई भी अगर मुझे देखता है तो मैं चाहती हूँ मैं लोगों को ख़ुद इंस्पायर करूँ कि मैं क्या सोचती हूँ मेरा नज़रिया क्या है डांस को ले मैं चाहती हूँ वो चीज़ें मैं बता सकूँ एंड जितना भी मैंने ट्रेनिंग में ऑब्ज़र्व किया है आप सब से आप सब ने अपने इतने साल की मेहनत अपने इतने साल का एक्सपीरियंस अपना नॉलेज शेयर किया है क्योंकि वो कभी कोई नहीं करता है तो मैंने सोचा अगर अगर आप लोग नहीं हेजिटेट करते ये सब चीज़ों को बताने से कि मेरा यू नो नॉलेज एक्सपीरियंस मेरा सब कुछ मैं अभी बता रहा हूँ वो भी एक फिफ्टीन ईयर्स का एक्सपीरियंस सिर्फ फिफ्टीन सेशन्स में तो कहीं ना कहीं वो डर रहता है तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए एंड हमें उसका सही वे में ही यूज़ करना चाहिए लाइक अभी के डांसेस जिस बात में चल रहे हैं मैं नहीं चाहूँगी कि वैसा मेरे साथ भी हो तो मैं आप जैसा आपने मुझे गाइड किया है मैं हमेशा उसी बात को फॉलो करने की कोशिश करूँगी थैंक यू आई होप जो भी चीज़ें आपने बताया नो आप सर करेक्टली uh, आपके पाथ में उसको यूज़ करोगे एंड जैसे आप, आपने कहा कि मिस यूज़ नहीं करना यू विल यूज़ इट फॉर योर यू नो जनरली यूज़ इट फॉर योर ग्रोथ ओके ताकि आप उस चीज़ पे यू नो अच्छे से यू नो परफॉर्म कर पाए एंड आपके जो गोल्स आपने सेट किए वो आप अचीव कर पाए बिकॉज एट दी एंड हमारा गोल यही रहता है कि uh, है नो सर डांस ही नहीं सिखाते वी ऑल्सो टीज एम लाइक लाइफ स्किल्स है नो जो कि बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन में सर्वाइव करना सो दैट लाइफ स्किल्स ऑल्सो इंक्लूड्स यू नो लाइक इंकलगेटिंग गुड वैल्यूज इन योर स्टूडेंट्स ठीक है जो कि बहुत ज़रूरी है ठीक है एंड गुड वैल्यूज़ के साथ कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत काम यू नो मैंडटरी है मतलब बहुत ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो सो so, uh, थैंक यू सो मच तेजस्वी आई रियली अ आर नो वंडरफुलसन विथ यू इट वॉज रियली गुड टू यू नो अबाउट यू आपका जर्नी आपके एक्सपीरियंसिस जो आपने यू नो यहाँ पे uh, अचीव किए हैं एंड बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी जान आप के एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने मिल रहा है आई लेट थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन अस ये मैं कहना चाहूँगा आप इतना फेथ लेकर आए आप सिर्फ आइडल्स के लिए से बोली पे ट्रैवल किए हो अंडरस्टैंड yes. अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग आपका अलग सा क्या क्या एक्सपेंसिस आप बेर कर रहे हो आपके इम यहाँ पे आए आपके साथ ठीक है आपके साथ रुके सो so, डेडिकेशन एक पेरेंट की साइड से भी देखने मिल रहा है एंड सो पर्सली मैंने देखा है देन आई फील प्राउड कि लोग भरोसा करके आ रहे हैं नो रिसर्च करके आ रहे हैं हम क्या यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आई रियली वट टू यू नो अप्रीशियेट यू फॉर टेकिंग दैट डिसन एंड ऑल्सो वॉन्ट टू नो अप्रीशिएट द एफर्ट्स ऑफ यज वेल जो आपको यहाँ पे यू you नो know, अच्छा एजुकेशन देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ओके सो थैंक यू वंस अगेन एंड आई वॉन्ट टू बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डांस जर्नी आई होप जब आप यहाँ से जाओगे तो डेफिनेटली आपकी गोल्स पर अच्छे से वर्क करोगे सो दैट विथ टाइम आप उस पर ग्रोथ देख पाओ एंड स्लोली ग्रेजुअली आप वो गोल्स पाओ, okay? so, Sir, actually, मैं को अचीव कर पाओके आपके लिए कुछ लिखा है तो so, मैं एक अच्छी राइटर तो नहीं हूँ बट मैं हमेशा किसी किसी ना किसी अपने स्पेशल पर्सन के लिए कुछ मैसेज लिखना चाहती हूँ मैं करती हूँ ऐसा बट इस टाइम मैंने कुछ अलग किया लाइक काइंड ऑफ़ एक की तरह मैंने आपके लिए कुछ लिखा okay. है यू आर फिल्ड विद हार्ट फिल गाइडेंस आई लर्न टू थ्राइव From the very start, you believed in me, nurtured my spirit, set my heart free. In the rhythm of your life, you have been my song, helping me find where I belong. You have shown me discipline, dedication, and more, as life lessons learned on the dance floor. The values you are instilled will forever stay in my heart and in every step, I swear. In your first steps, I've discovered a treasure, a passion for dance that's beyond measure. With your wisdom,

आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो so, हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको स्पेशल फील करवाएं हम तो मैंने इसी इसी लिए बस छोटा सा ही लिखा है जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये कि uh, uh, you know, सारी चीज़ें आपके स्टूडेंट के साइड से मिलते हैं तो थैंक दिस And this is going to be one of my memorable podcasts I have ever ever, ever had in my career. I'm glad, sir. Thank you so much, Sini. and and uh, I really want to you know wish you all the best. And uh, thank you for making this podcast special for me. Thank you, so much. Thanks so much.